गाइस, ये आ गई हमारी BMW और अभी हम चलते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, माशाल्लाह बेहतरीन फसल वगैरह यहाँ पे जो है ना, गंदम के फसल वगैरह लगे हुए हैं पे, माशाल्लाह बहुत अच्छी गिनी दी है। गाइस ये देखें गांव का नलका, और ये शोएब भाई भी मुंह वगैरह धो रहे हैं और हम भी मुंह वगैरह धोते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वी आर बैक अनदर व्लॉग। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने आज और आज का कुछ सीन यूँ है कि आज मैं आया हूँ गांव और हम लोग अभी जा रहे हैं नमाज पढ़ने, और ये छोटा भाई भी मेरा मेरे साथ है, नवाज़ अली, ये गांव में यहाँ रहता है, और हम लोग जा रहे हैं आगे पढ़ेंगे नमाज, नमाज वगैरह पढ़ेंगे, उसके बाद जाएंगे हमारा भांजा है उससे मिलने, दूसरे गाँव में रहता है, यहाँ नहीं रहता। हमारा गाँव ये मेन रोड पे हमारा गांव है, मस्जिद ही है हमारी, माशाल्लाह अभी बन रही है, काम चल रहा है, नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं यहाँ पे। और ये चेक करें, ये है मेरा प्यारा गांव, और ये हमारे अंदर घर है, और ये चेक करें प्यारा गांव हमारा। और अभी हम जा रहे हैं वज़ू वगैरह करने, वज़ू करते हैं फिर पढ़ते हैं नमाज। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर गाइस, मैंने ज़ोर की नमाज़ अदा कर दी है, अब हम चलते हैं, यहाँ से जाएंगे रोड से और दूसरा गांव आएगा, वहाँ से हम बाइक उठाते हैं घर से और फिर चलेंगे। वहाँ मेरा भांजा रहता है और मेरी बहन बहनोई रिश्तेदार वगैरह वहाँ रहते हैं, वो गांव उनका अलग है। और ये मेरा गांव आपको मैं फिर से दिखा देता हूँ, और आपने अभी तक नियाज़ व्लॉगिंग ज्वाइन नहीं किया है तो कर लो लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो। और मैं उठाता हूँ बाइक, वो पुरानी बाइक वहाँ छोड़ दी, यहाँ भी है मेरी दूसरी बाइक, वो उठाऊँगा फिर चलते हैं आगे। ये आ गई हमारी BMW और अभी हम चलते हैं हमारे भांजे के गांव, और ये मेरा भाई नवाज़ अली रेडी हो गया और अभी हम चलते हैं आगे। गाइस ये आ गया हमारा गांव, और यहाँ सामने से ये हैदराबाद रोड जाता है, हैदराबाद जाता है और इस तरफ से चावल की तरफ जाता है, यहाँ से टंग मोहम्मद खान हैदराबाद की तरफ जाते हैं, और अभी हम चल रहे हैं इस तरफ। और ये जो रोड है ना, ये हैदराबाद डायरेक्ट जाएगा, अब यहाँ से थोड़ा आगे से कट जाता है, अंदर रास्ता जाता है कच्चा, उस तरफ से हम जाएंगे हमारे भांजे के गांव। शायद अभी हम जा रहे हैं रास्ते में, बस आने वाला है, और ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जो है ना गंदम के फसल वगैरह लगे हुए हैं उन पर, माशाल्लाह बहुत अच्छी गिनी दी है। और अभी हम लोग चलते हैं आगे, और ये कच्चा रास्ता है आगे जाता है, सामने वो गाँव है, वहाँ हमें जाना है, माशाल्लाह बेहतरीन लोकेशन है, ज़बरदस्त है, और मेन रोड से थोड़ा ही अंदर है, और ये गिनती वगैरह आप चेक करें माशाल्लाह। और उस तरफ वो सूरजमुखी की फसल है उस तरफ, और ये साइडों पर आप लोग चेक करें माशाल्लाह, ये गंदम की फसल है, बहुत प्यारी लग रही है, गंदम की फसल माशाल्लाह बेहतरीन लग रही है, प्यारी माशाल्लाह। और आगे सरसों के खेत हैं, और सरसों के फूल नहीं आए हुए अभी, टाइमिंग का वो पकने वाला हो गया, ये सरसों है। और ये साइड में गन्ने का खेत लगा हुआ है, गन्ने का खेत है, और ये आ गई सरसों, और गाँव सामने आ गया, गाइस। तो हम अभी हमारे भांजे के गांव पहुंच चुके हैं, और पप्पू भी मेरे साथ है, और मेरे भांजे के पास हम लोग बैठे हुए हैं, ये है मेरा छोटा भांजा, और ये इसका चाचा है, और अपने चाचा के साथ बैठा हुआ है। और रहमान भाई क्या हाल है? ठीक है। हाँ, ये मेरा भांजा है, और अयान नाम है इसका छोटू, मामू किल किल किल, ये मेरा छोटा भांजा है। और इसके बाद हम अभी यही हैं, थोड़ी देर के बाद शाम को हम निकलेंगे यहाँ से। गाइस ये देख सकते हैं गांव का तीतर है, ये देख सकते हैं गांव का तीतर है, बोली वगैरह करता है। ये देखें बोली कर रहे हैं गांव का तीतर, ये चेक करें,
गाइस, ये देख सकते हैं मेरा दोस्त शोएब ज़ोर। हेलो गाइस। और ये इसको तो आप जानते होंगे और किसी व्लॉग में आया होगा पहले ही। और पहले मैं बहुत बार आ चुका हूं। A few moments later. गाइस ये देखें गांव का नलका और ये शोएब भाई भी मुंह वगैरह धो रहे हैं और हम भी मुंह वगैरह धोते हैं, फ्रेश होते हैं। ये देखें गांव का नलका, गांव में ऐसे पानी आता है ना शोएब भाई? जी हाँ। गाइस ये देख सकते हैं गांव का नलका, इसको ऐसे करेंगे और ये चलेगा और पानी निकालेगा। बहुत अच्छी और मुंह वगैरह धो सकते हैं, पानी भी मीठा पानी है। और आज के ब्लॉग को हम यहीं एंड कर रहे हैं। और आपने अभी तक न्याज ब्लॉगिंग ज्वाइन नहीं किया तो कर लो लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो। और फिर मिलेंगे ऐसे किसी ब्लॉग में। ओके हो गया।